हेलो गाइस वेलकम टू स्टडी तो जेके एस एस पी क्लास फोर्थ रिक्रूटमेंट में आज हम एक न्यू लेक्चर करेंगे जिसमें हम करेंगे प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली हमसे पूछे जाते हैं ईयर बाय ईयर और जिनकी चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में आने के तो टेन क्वेश्चनस होंगे आज के लेक्चर में भी तो ये टेन क्वेश्चन कुछ इसमें डिफ़िकल्ट होंगे कुछ इसमें ईजी क्वेश्चन होंगे तो करते हैं स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर द फर्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू टू फोर नाइन सेवन दो सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई फाइव सिक्स फोर एंड थ्री जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एल सी एम और एल सी एम की वीडियोज़ में मैंने बताया था कि ये किस क्वेश्चन होगा एलसीएम का लीस्ट नंबर जो ऐड करेंगे टू फोर नाइन सेवन में तो जो सम है वो एग्जैक्टली exactly डिविजिबल होगा फाइव सिक्स फोर एंड थ्री से तो ये इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे एलसीयम फाइंड आउट करेंगे तो फाइव सिक्स फोर और थ्री का आप एलसीयम ईजिली निकाल सकते हो ठीक है तो इस एल्म क्या आएगा फाइव सिक्स फोर थ्री इस एल्सियम क्या आ सकता है यहाँ पे टू फाइव टू, टू, टू जा, थ्री जू टू जी तो यहाँ पे थ्री अगर हम लेंगे ये फाइव ही रहेगा ये वन आएगा और ये टू आएगा ये वन आएगा तो टू थ्री जो सिक्स फाइव जो थर्टी टू जिक्सटी तो एल्शियम क्या बना इसका सिक्सटी तो जब एलसीएम सिक्सटी बनेगा तो हमें लीस्ट नंबर निकालना है जो इसके साथ ऐड करेंगे जो सम हो गए चारों नंबर से डिविजिबल होगा तो हम इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं जो हमारे पास एलसीएम आता है उसको डिवाइड करते हैं इस नंबर से जो हमारे पास गिवन नंबर दिया हुआ है तो जब इसको इस, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा टू फोर्टी यहाँ पर नाइन नाइन्टी सेवन सिक्सटी वन सा सिक्सटी तो रिमाइंडर बचा थर्टी सेवन तो भाई जो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो सारा हमारा फोकस होगा वो रिमाइंडर पे होता है जो रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आंसर आएगा तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि क्या नंबर ऐड करें कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो इन चारों नंबर से तो देखिए थर्टी सेवन मेरा रिमाइंडर आएगा तो अगर मुझे यहाँ पर इसको पूरा डिवाइड करना होता तो मैं थर्टी के साथ क्या ऐड करता थर्टी के साथ मैं क्या ऐड करता सिक्सटी माइनस कितना आएगा ट्वेंटी क्यों मैंने सिक्सटी माइनस ट्वेंटी थ्री किया क्योंकि हमने इसको कम्प्लीटली डिविजिबल करना था जीरो रिमाइंडर आना चाहिए था तो मुझे पता लग जाना चाहिए यहाँ पे कि मैं क्या ऐड करूँगा इसके साथ कि जीरो रिमाइंडर आए सिक्सटी में से थर्टी सेवन निकाला या ट्वेंटी थ्री मतलब इस थर्टी सेवन को मैंने सिक्सटी बनाना था तो थर्टी सेवन को सिक्सटी बनाने के लिए क्या ऐड करता ट्वेंटी थ्री ठीक है तभी वो कम्प्लीटली डिविजिबल होता इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ट्वेंटी थ्री द एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज ट्वेंटी थ्री एंड द अदर टू फैक्टर ऑफ दर एल सी एम आर थर्टीन एंड फोर्टीन द लार्जर ऑफ द टू नंबर इज तो इसमें आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया होगा जब भी हमें कभी पूछा हो कि एच सी एफ ये दिया हुआ है या फिर उसके फैक्टर्स अदर फैक्ट्री हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना है एल सी एम जब भी हम लिखते हैं ना तो एल सी एम में हमेशा एच सी एफ उसका एक फैक्टर होगा एच सी एफ होगा और सेकेंड नंबर एक्स वाई कुछ भी हो सकता है तो मतलब एल सी एम में एच सी एफ़ की वैल्यू आती है हमेशा ठीक है क्योंकि एच क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम में हम सारी चीज़ें लेते हैं जो कॉमन होती हैं और जो कॉमन नहीं भी होती हैं तो इसलिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी एलसीएम दिया हो तो उसमें हमने एच सी को भी लिखना है तो देखिए इसका एलसीएम इसने बोला है कि अदर दो फैक्टर्स हैं एलसीएम के थर्टीन और फोर्टीन है ना तो इसका मतलब जो तीसरा फैक्टर बच गया वो क्या था एच ही था ठीक है तो इसलिए इसलिए इसने ऐसा बोला कि एच ये है और उनके अदर दो फैक्टर थर्टीन और फोर्टीन हैं तो इसका मतलब मेरे पास एलसीएम मिल गया ट्वेंटी थ्री इंटू थर्टीन इंटू फोटीन तो देखिए जब ट्वेंटी थ्री इंटू थर्टीन इंटू फोटीन लगे तो मुझे एच सी एफ मिल गया एच सी एफ एलसीएम मिल गया जब एलसीएम है मेरे पास अदर तो फैक्टर हैं थर्टीन एक है फोर्टीन तो एक फैक्टर तो एक नंबर का होगा दूसरा फैक्टर दूसरे नंबर का ये चीज़ हमें ध्यान देनी है यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे फोर और सिक्स है अगर मुझे इसका एलसीएम बोला जाए तो मैं क्या करूँगा टू इंटू टू इंटू थ्री तो देखिए टू तो एच निकलेगा एक इसका इन दोनों का एच सी एफ निकालो टू और दो अदर फैक्टर क्या है टू और थ्री ठीक है तो इसका मतलब एक नंबर से हमें ये वाला फैक्टर मिला एक नंबर से हमें ये वाला फैक्टर मिला तो इसको भी ऐसे ही कंपेयर करना है ट्वेंटी थ्री इंटू थर्टीन इंटू फोर्टीन तो ट्वेंटी थ्री तो दोनों में कॉमन था तो एक से हमें फोर्टीन वाला फैक्टर मिला एक से थर्टीन वाला तो हमारे पास नंबर क्या बन जाएंगे ट्वेंटी थ्री इंटू थर्टीन और ट्वेंटी थ्री इंटू फोर्टीन तो उसने हमसे लार्जर नंबर पूछा है तो लार्जर नंबर ये वाला होगा ट्वेंटी थ्री इंटू फोर्टीन क्या थ्री ट्वेंटी टू इस क्वेश्चन का आंसर हुआ थ्री ट्वेंटी टू नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ए कैन डू ए वर्क इन टेन डेज बी कैन डू द सेम वर्क इन फिफ्टीन डेज देन हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कम्प्लीट वर्क वाइल वर्किंग टूगेदर तो ये इजी क्वेश्चन है काफी ए ने काम किया दस दिन में बी ने किया कितने दिन में पंद्रह तो इनका जो वर्क होगा वो थर्टी यूनिट्स आएगा कैल्सियम लेके इसकी एफिशिएंसी हुई तीन इसकी एफिशिएंसी हुई दो तो इसकी टाइम कितना लगेगा थर्टी डिवाइडेड बाई टू प्लस थ्री यह आएगा सिक्स आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द एवरेज ऑफ एट पर्सन इंक्रीजेज बाय टू पॉइंट फाइव के जी द एवरेज वेट ऑफ एट पर्सन इंक्रीजेज बाई टू पॉइंट फाइव के जी वैन ए न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ दैम बेइंग सिक्सटी फाइव के जी आठ जो लोग थे उनका एवरेज वेट इंक्रीज हुआ टू पॉइंट फाइव के जी से जब एक पर्सन आया किस पर्सन की प्लेस पे जिसका वेट था सिक्सटी फाइव के जी तो हमें बताना उस नए बंदे का वेट क्या होगा तो आप पहले ज्यूम कर लो आठ बंदों का वेट था एक्स के जी एवरेज थी तो है ना तो इनका टोटल क्या बनेगा एवरेज क्या होगा सम डिवाइडेड बाय टोटल तो सम क्या बनेगा सम टोटल। तो सम को मैं लिख सकता हूँ एट एक्स अब इसने बोला है वेन ए न्यू तो उस बंद, उनका वेट कितना हो गया एक्स प्लस टू पॉइंट फाइव तो इनका एवरेज क्या बना एट एक्स प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी कैसे एट को जब मैंने मल्टीप्लाई किया एट एक्स प्लस एट इंटू टू पॉइंट फाइव ट्वेंटी अब गाइज ये जो डिफरेंस आएगा है ना अब इन दोनों में डिफरेंस कितना आया एट एक्स प्लस ट्वेंटी माइनस एट एक्स डिफरेंस कितना आया ट्वेंटी का और ये ट्वेंटी डिफरेंस किस वजह से आया जो एक न्यू पर्सन आया है किसकी प्लेस पे सिक्सटी फाइव के की प्लेस पे तो देखिए सिक्सटी फाइव के वाला जब गया है ना तो उसकी वेट पे एक नया पर्सन आया जिससे टू पॉइंट फाइव का डिफरेंस आया था एवरेज में तो उस नए बंदे का वेट क्या होगा ट्वेंटी प्लस सिक्सटी फाइव कितना हुआ एट्टी फाइव के जी ठीक है इसका आंसर हुआ एटी फाइव क्यों मैंने सिक्सटी फाइव ऐड किया क्योंकि जो पर्सन गया था उसका वेट सिक्सटी फाइव था और जो नया पर्सन आया है उसकी उसने ट्वेंटी डिफरेंस क्रिएट किया है तो वो जो ट्वेंटी डिफरेंस है वो किस में ऐड होगा हमारा जो पर्सन गया था उसकी उसमें ऐड होगा ये याद रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमारा जो डिफरेंस आएगा उसको उस वेट के साथ अगर वो ज़्यादा वेट वाला पर्सन हो तो ऐड कर देना अगर कम वेट वाला हुआ तो एवरेज डिक्रीज होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना प्रेजेंट एजेस ऑफ सैम एंड आनंद आर इन द रेशियो ऑफ फाइव इज टू फोर थ्री ईयर्स हेन्स द रेशियो ऑफ देर एजेस बिकम इलेवन इज टू नाइन वॉट इज आनंद प्रेजेंट एज तो सैम और आनंद की प्रेजेंट एज जो है वो है फाइव इज टू फोर ठीक है फाइव इज टू कितनी है फोर एज है सैम और आनंद की थ्री ईयर एंड तीन साल बाद उनकी एज क्या हो जाएगी इलेवन इज टू नाइन ठीक है ये ध्यान रखना तीन साल बाद उनकी एज कितनी हो गई इलेवन इज टू नाइन अब हम इन क्वेश्चन में क्या करते हैं सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं इसका डिफरेंस है टू का इन दोनों का इसका है वन का तो two को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली एज का डिफरेंस क्या बन जाएगा टेन और एट नीचे ऐसा ही रहेगा इलेवन एज टू नाइन अब उसने बोला है तीन साल बाद तो वर्टिकल डिफरेंस देखेंगे कितना आया एक का यहाँ पे भी एक का तो हमने सबको थ्री के साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें डिफरेंस लेके आना है थ्री का तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ लिखते हैं फाइव इज टू फोर और ये वाला कितना था इलेवन एज टू नाइन तो ये क्या बना टेन एज टू एट इलेवन एज टू नाइन तो ये डिफरेंस वन है ये डिफरेंस वन है बट यहाँ पे डिफरेंस तीन का आना चाहिए तो मैं तीन से सबको मल्टीप्लाई करूंगा थर्टी ट्वेंटी फोर और ये कितना बना थर्टी थ्री ट्वेंटी सेवन तो उन्होंने क्या बोला है आनंद की प्रेजेंट एज तो ये सैम था ये आनंद था तो आनंद की प्रेजेंट एज कितनी होगी ट्वेंटी फोर ईयर्स क्योंकि सैम और आनंद अगर उसने तीन साल बाद उसकी एज पूछी होती तो वो कितनी आती ट्वेंटी सेवन एज टू ईर्स ओल्डर देन बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सी तो देखिए अगर ए की एज में बी की एज अगर मैं एक्स मानूं तो मैं इसकी एज मान सकता हूं ए की एक्स प्लस टू ठीक है क्योंकि उसने बोला है ए दो साल बड़ा है बी से और बी और बी ट्वाइस है सी के ठीक है तो बी की वैल्यू जो है ट्वाइस है किसके सी के तो इसका मतलब क्या हुआ बी जो है वो डबल है सी के तो इसका मतलब बी और सी का रेशियो क्या हुआ टू इज टू वन ठीक है अगर बी की वैल्यू दो है तो ए की वैल्यू कितनी होगी वन होगी ठीक है तो अगर मैं बी से ही सी से ही स्टार्ट करूँ बी इज टू सी ठीक है बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी ठीक है तो एक्स मान लेता हूँ मैं तो ए की ए कितना बड़ा है ए इज टू ईयर्स ओल्डर देन बी तो ए की वैल्यू क्या आएगी टू एक्स प्लस टू ठीक है इफ द टोटल एजेस ऑफ ए बी सी है ए बी एंड सी इज ट्वेंटी सेवन तो इनको ऐड करेंगे टोटल एज कितनी है इनकी ट्वेंटी सेवन देखिए एक्स की वैल्यू क्या आएगी टू एक्स और टू एक्स प्लस टू एक्स कितना हुआ फाइव ट्वेंटी सेवन में से टू गया ट्वेंटी फाइव तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आएगी फाइव अब उन्होंने बोला है देन बीज एज इज तो बी की एज क्या मानी थी टू एक्स तो बी की वैल्यू कितनी आई फाइव इंटू टू टेन तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एवरेज वेट ऑफ सिक्सटीन बॉयज इन क्लास इज फिफ्टीन पॉइंट टू के जी एंड दैट ऑफ रिमेनिंग एट बॉयज इज फोर्टी फाइव पॉइंट वन फाइव के जी फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल बॉयज़ इन द क्लास तो इस क्वेश्चन में देखिए एवरेज वेट सिक्सटीन बॉयज़ का बोला है फिफ्टी पॉइंट टू फाइव तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था देखिए और इसके ना ऑप्शन थोड़े दूर है फोर्टी फाइव में फोर्टी थ्री फोर्टी एट फोर्टी नाइन सिक्सटीन बॉयज़ का एवरेज उसने दिया है फिफ्टी पॉइंट टू फाइव और एट बॉयज़ का उसने दिया है कितना फोर्टी फाइव पॉइंट वन फाइव के जी तो थोड़ा सा आपको इसमें स्मार्ट अप्रोच लगानी कैलकुलेशन से बचना है थोड़ा कैसे ज़्यादा बच्चे कौन हैं सिक्सटीन वाले इनकी एवरेज है फिफ्टी पॉइंट टू फाइव तो इतना तो हमें पता लग जाना चाहिए कि एवरेज जो है वो फिफ्टी के अराउंड आएगी क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी वहीं पे एवरेज ज़्यादा आएगी एट की वैल्यू है फोर्टी फाइव पॉइंट टू फाइव तो अगर मुझे यहाँ पर आंसर पता करना है तो मुझे इतना पता लगना चाहिए कि आंसर जो है फोर्टी के आसपास होगा हमारे पास एवरेज किसकी है फोर्टी फ़ाइव और फिफ्टी के अराउंड है तो एवरेज जो है वो इसके आसपास आएगी तो मैं मान सकता हूँ एवरेज फोर्टी एट ऐसे कुछ आएगी फोर्टी एट फोर्टी नाइन फोर्टी सेवन एवरेज नहीं आएगी क्योंकि इन दोनों में देखना अगर फोर्टी सेवन के अराउंड एवरेज आएगी मतलब वो एट की साइड जा रहा है बट ऐसा नहीं होगा एवरेज सिक्सटीन बच्चे इस साइड हैं फिफ्टी की साइड तो एवरेज क्या होगा फोर्टी एट फोर्टी नाइन की साइड आएगी तो हमारा ए और बी ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया क्योंकि ए और बी ऑप्शन क्यों कैंसिल हुआ क्योंकि एवरेज एक एक सिक्सटीन की तो टू फिफ्टी है और एट बच्चों की कितनी है फोर्टी फाइव तो इसका मतलब एवरेज दोनों के मिडल में आएगी ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए अब हमारे पास ऑप्शन बचता है फोर्टी एट पॉइंट फाइव फाइव फोर्टी नाइन पॉइंट टू फाइव अगर मैं उसकी एवरेज फोर्टी नाइन पॉइंट टू फाइव मानूँ तो फोर्टी नाइन पॉइंट टू फाइव के लिए यहाँ पर ज़्यादा बच्च, बच्चे ज़्यादातर बच्चे यहाँ होने चाहिए थे बट ये रेश कितने बच्चे हैं सिक्सटीन है ये एट है ठीक है इसलिए मुझे एवरेज यहाँ पे मैं एक एक्जम्शन लगा सकता हूँ कि इसकी एवरेज फोर्टी एट पॉइंट फाइव फाइव आएगी देखिए क्योंकि अगर मैं फोर्टी नाइन एवरेज मान के चलूंगा यहाँ पे तो फोर्टी नाइन के लिए इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो फोर्टी नाइन के अराउंड कभी भी नहीं आएगी उसका रीज़न है क्योंकि फोर्टी नाइन के अराउंड आने के लिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे होने चाहिए थे बट ऐसा नहीं है अगर इसको ट्रेडिशनल मैथड से करना हो आपने तो सिक्सटीन इंटू फिफ्टीन पॉइंट टू फाइव आया सम आया इन सब का ठीक है तो सिक्सटीन पॉइंट फाइव इंच को ऐड करना है इसका सम आएगा एट हंड्रेड प्लस फोर तो कितना बना एट हंड्रेड फोर और दूसरा सम कितना बना फोर्टी फाइव पॉइंट वन फाइव इंटू एट ठीक है थ्री सिक्सटी प्लस वन पॉइंट टू तो ये कितना बना थ्री सिक्सटी वन पॉइंट टू इन दोनों को ऐड करके थ्री सिक्सटी वन पॉइंट टू प्लस एट जीरो फोर थ्री सिक्सटी वन पॉइंट टू प्लस एट डिवाइडेड बाई टोटल बच्चे कितने हैं सिक्सटीन प्लस एट ट्वेंटी फोर समय बाय टोटल ये क्या बना मेरा एवरेज तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर फोर्टी एट पॉइंट ही आएगा रेशियो थ्री फोर इज टू फाइव फाइव तो नंबर तो को रिज्यूम कीजिए थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स तो एलसीएम क्या आएगा इनका थ्री फोर फाइव थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू एक्स जो कॉमन चीज़ होगी वो एक ही बारी लिखते हैं बाकी सब एलसीएम में आ जाता है तो क्या बनाइए सिक्सटी एक्स तो एल्शियम सिक्सटी एक्स आया तो सिक्सटी एक्स की उसने वैल्यू दी हुई है ट्वेंटी फोर हंड्रेड तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आई फोर्टी और देखिए जब भी क्वेश्चन ऐसा हो रेशियोज में मैंने पहले ही बताया है ये जो एक्स होगा ना इसमें यही हमारा एच होगा रेशियोज में जो एक्स की वैल्यू आती है वही हमारा एच होगा क्योंकि रेशो बनती कैसे है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर उसमें से कैंसिल होके और सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होता है हमारा एच सी एफ तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फोर्टी द जी सी डी ऑफ वन पॉइंट जीरो एट जीरो पॉइंट थ्री सिक्स एंड जीरो पॉइंट नाइन तो जी सी डी कुछ नहीं जी सी डी एच सी एफ ही होता होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर जो होता है वो एच सी एफ ही होता है तो आपको ये लगेगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करें अगर पॉइंट्स में करोगे तो ये काफ़ी लेंदी होगा सपोज़ कर लेते हैं हम ना इन तीनों नंबर्स को हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो हमारा एच आएगा वो भी हंड्रेड से उसको हंड्रेड से डिवाइड कर लेंगे ठीक है तो अब मेरे पास नंबर क्या बन जाएंगे वन ज़ीरो एट थर्टी सिक्स और नाइन्टी अभी ईजी हो गया ना क्योंकि वन जीरोट थर्टी सिक्स और नाइन्टी के तो ईजी नंबर्स हैं इनका एच सी निकाल सकते हैं हम जब इन नंबर्स का एच सी निकालेंगे तो वन जीरो एट को मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे एटीन का टेबल यहाँ पर आता है तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट आपको बता के कर रहा हूँ कि ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है फाइव इंटू एटीन तो कॉमन देखो क्या आया एटीन 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 सिक्स टू फाइव में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया एटीन अब नॉर्मल जो हमारी अप्रोच है उससे भी करना उससे भी यही आएगा तो एच क्या आया मेरा एटीन बट मैंने इन तीनों नंबर्स को हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया था तो मुझे हंड्रेड से इसको डिवाइड करना पड़ेगा तो इसका आंसर क्या आएगा पॉइंट वन एट ऑप्शन आया डी ए कैन बिल्ड ए वॉल इन फिफ्टीन डेज बी कैन बिल्ड इट इन टेन डेज सी कैन डेमोलिश द वॉल इन ट्वेल्व डेज तो ए बना रहा है उसको पंद्रह दिन में बी उसको कर रहा है दस दिन में और सी उसको डेमोलिश कर रहा है ट्वेल्व डेज में अगर वो उन्होंने सेम ही टाइम पे काम करना स्टार्ट किया तो देन इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कम्प्लीटेड तो ए ने किया कितने दिन में पंद्रह दिन में और बी ने किया टेन डेज में बनाया सी ने उसको डमोलिश किया तो इसका मतलब सी तोड़ने में लगा तो सी को हम मान सकते हैं ट्वेल्व डेज इसका एल्सीयम निकालेंगे एल्सीयम आएगा तो इसकी एफिश एल्सीयम आएगा इसका सिक्सटी इसकी एफिशियसी फोर इसकी सिक्स और इसकी माइनस फाइव क्योंकि तोड़ रहा है वो तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो हमारे पास जो तीनों का एक साथ काम होगा वो कितना होगा सिक्स प्लस फोर माइनस फाइव कितना फाइव इफ़ द स्टार्ट वर्किंग इज हाउ एंड हाउ मे डेज वर्क विल कम्प्लीटेड तो तीनों ने एक साथ का कितने काम किया पाँच यूनिट तो टोटल कितने दिन लगेंगे उसको करने में अब कमेंट्स में बताना ये सारा क्वेश्चन हो गया सिर्फ आपको एक डिवाइड करना है सिक्सटी को तो ये आपका आंसर निकल जाएगा तो ये क्वेश्चन कमेंट्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा तो गईज़ आज के लेक्चर में बस इतना ही आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी हम आपको ऐसे ही डेली वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहे हैं इस जगह की एस के लिए तो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता हम आपको तब तक ये कोर्स जो हमने स्टार्ट किया है लेक्चर सीरीज ये तब तक करवाते रहेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच